हम बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार खिचड़ी बनाएंगे, वो भी प्रेशर कुकर में। खिचड़ी बनाने के लिए 1 कप चावल लिए हैं, इसके साथ 100 ग्राम हरा मटर लिए हैं, 100 ग्राम फूल गोभी, 2 पीस गाजर, 50 ग्राम बीन्स और 2 पीस प्याज लिए हैं। प्याज टमाटर बीन्स को हम छोटे पीस में और फूल गोभी को बड़े पीस में काट लिए हैं। सबसे पहले चावल को बाउल में निकाल लेंगे। छोटा वाला चावल कहीं खिचड़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। इसी में 1/2 कप दाल निकाल लेंगे। अब हम इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। आप जितना चावल ले उसके 1/2 दाल ले। अब खिचड़ी बना लेंगे। खिचड़ी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में तेल डाल लेंगे, 2 तेज पत्ता डाल लेंगे, 1 चम्मच जीरा डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे, अब इसमें प्याज डालेंगे। जैसे ही प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा इसमें बीन्स डाल लेंगे, गाजर डालेंगे, इसी में फूल गोभी भी डाल लेंगे, हरा मटर डालेंगे। सारे सब्जी को 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। देख सकते हैं कि सारे सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद इसे 10 से 20 सेकंड फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। जितना हम चावल और दाल लेंगे उसके 4 गुना पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डाल लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। देख सकते हैं कि कुकर का सीटी अच्छे से निकल गया है। अब हम ढक्कन हटा देंगे और इसमें धनिया पत्ता डाल लेंगे। आपको थोड़ा पतला खिचड़ी बनाना हो तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। अब हम तड़का लगा लेंगे। 1 चम्मच घी डाल लेंगे, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे, 2 सूखा लाल मिर्च डाल लेंगे। गैस बंद करके घी को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम खिचड़ी को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर से तड़का डाल लेंगे। आप बिना तड़का के भी खिचड़ी बना सकते हैं। देख सकते हैं कि खिचड़ी देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम बहुत सारा सब्जी भी डाले हैं, इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बना हुआ है। आप इसमें अपने पसंद के और भी सब्जी डाल सकते हैं। आप इसे दही पापड़ या चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये किसी के साथ भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।